तो दोस्तों फाइनली मैं रांची के स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और अभी रात का समय हो चुका है, रात के बज गए हैं 11। पता नहीं ये पहली बार मैंने देखा इतने रेलवे के सफ़र में इतनी कठिनाई और इतनी मुश्किल से मैं मतलब पहुंच यहां तक पहुंचा हूं। और अभी भी मुझे ससुराल जाने को काफ़ी समय है। अभी ये ट्रेन आएगी सुबह 5 बजे, अभी ऐसे सुनने में मिला है कि 5 घंटे ट्रेन लेट है। और उसके बाद फिर वो ट्रेन आने के बाद, उस ट्रेन में जाने के बाद फिर मैं धनबाद जाऊँगा और फिर मैं पहुँचूँगा ससुराल। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, ट्रेन के एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत दिक्कत हुई और इतनी परेशानी होने के बाद मैं कैसे तो भी यहाँ रांची पहुँच गया। अभी रांची में भी देखा तो स्टेशन पे इतनी रश है, सभी लोग सोए पड़े इधर उधर और पता नहीं अब ये भी सब लोग कहाँ कहाँ किसको जाना है। काफ़ी रेलवे की इस परेशानी की वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, सभी लोग यहाँ सो कर हैं पर फिर भी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अच्छे से सभी को देख रहे हैं। तो दोस्तों कैसे तो भी बड़ी मुश्किल से मैं धनबाद पहुँच चुका हूँ और धनबाद में ये सत्तू का मज़ा लेती हूँ। तो दोस्तों अभी हम धनबाद में मैं पहुँच चुका हूँ और मुझे लेने अभी सनातन और अंजलि प्रेम सर आ चुके हैं। उधर रुक गया, जाया हुआ पीला था करके मैं बोला चलो इधर चाय दुकान में ढूंढ रहा है। स्टेशन पे जाके इंतजार कर रहे कि भैया किधर से निकलेंगे, रूट इधर ले लीजिए। दोस्तों फिर से हम फाइनली कार में सब लोड हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी सब्जी उब्जी सब्जी फल वगैरह सब ले लिया था, सब ले लिया हम। ये रो रहा है। फाइनली मैं अपने ससुराल में पहुंच चुका हूं और मेरे आने के बाद मेरी धर्म पत्नी थोड़ी जैसे गुस्सा भी हो गई, नाराज हो गई कि अब कुछ हुआ ही ऐसे कि क्या बताएं। तो इधर से ही और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ना उधर चलो तो सब बात कर रहे थी। बहुत गुस्सा है तो गुस्सा तो मैं हूँ लेकिन ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि इनको देख के कोई गुस्से में रह ही नहीं सकते। और ये हमारे नारायण जी फाइनली झारखंड जमाई, जो झारखंडी जमाई के नाम से फेमस है, तो झारखंड पहुँच गए, फुलकते फुलकते पहुँच गए और नारायण जी अपना छाप छोड़ दिए। मतलब हमारे इधर 5 से 10 मिनट ही बारिश होती है और फिर गर्मी शुरू होती है। जब से इनके कदम यहाँ पर पड़े हैं, कितना बजे आप आए हो? मैं यहाँ पर 1:30 बजे यहाँ अंदर 1:30 बजे घर आ गए थे। तो ये देख सकते बारिश भरपूर हो रही है, अभी तक रात के 9 बज चुके हैं लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं है। अच्छी बात है, वातावरण सही हो गया भाई, ठंड लग रही तो ठंडा हो गया और हम लोग वही चाहते थे कि वातावरण सही। एक काम तो आपने किया, बारिश लेके आया है। चलिए आइए। तो फाइनली मैं अपने ससुराल पहुँच चुका हूँ पर जो यहाँ मैं पहुँचा, यहाँ की पहुँचने की जो इस बार जो कहानी बोलो या ट्रेजिडी बोलो बड़ी खतरनाक हुई। बोले तो कैसा हुआ कि मैंने एक टिकट पहले करवाई थी, एक नहीं 2-3 टिकटें करवाई, कुछ कैंसिल की, कुछ कंफर्म थी तो कुछ कंफर्म नहीं थी, तो एक टिकट मैंने कैंसिल कर दी फिर दूसरी कैंसिल की। लेकिन दोस्तों सच में बता रही हूँ मुझे मेरे जिससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ उसकी कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे इन्होंने नहीं बताया। जी जी इनको नहीं बताया, इनको कन्फ्यूज रखा मैंने, इनको मैंने ऐसा बोला मैं आ रहा हूँ कि 30 को आऊंगा या 1 को आऊंगा या 5 को आऊंगा ऐसे ही या ये मंथ के बाद आऊंगा। बस ये पता है कि हम टिकट लिए हैं और मैंने टिकट को ये कर दिया क्या कैंसल भी कर दिया और मैं आऊंगा लेकिन आऊंगा करके ऐसे ही उनको बोला ऐसा करके। फिर मैंने क्या किया कि फिर जैसे ही मैंने क्या किया कि देखा कि मेरे पास ये टिकट तारीख की 29 तारीख की कन्फर्म टिकट थी, AC 3 टायर थी, तो वो मैंने टाटा नगर वाली ये कर ली कि ये वाली टिकट से मुझे जाना है, वो भी मैंने इनको बताया नहीं। अब हुआ कैसे कि टाटा नगर बस मैं पहुंचूंगा, इस हिसाब से मैं 29 को रात को उसमें बैठ गया उस ट्रेन में अपने गांव से और 30 को वो टाटा नगर पहुंचने वाली थी। तो हुआ क्या कि रास्ते में एक जैसे हमारी टाटा नगर अभी पहुँचती तो चक्रधरपुर होके ट्रेन जाती, तो चक्रधरपुर के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कि मुंबई हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से 120 की स्पीड में टकरा गई जिससे रेल के 18 डब्बे पटरी से नीचे घसर गए। नहीं तो 12 नहीं 18 डब्बे घसर गए और 18 बोगी घसरने के बाद
रेल विभाग ने तो ये बताया कि 2 लोग मरे हैं और 150 लोग जख्मी हुए, पर ऐसा हुआ नहीं, काफी लोग मरे होंगे उसमें, ऐसा तो होता नहीं क्योंकि इतने बड़े हादसे में कुछ कम लोग मरे नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, काफी लोग मरे गए हैं उसमें, मारे गए हैं, और रेल विभाग ने शायद कुछ इसमें छुपाया भी होगा, पता नहीं अभी क्या है। तो फिर क्या हुआ कि हमारी ट्रेन की जो रूट से हमारी ट्रेन को बहुत स्लो कर दिया, उसको सिंगल लाइन पे डाला। अब सिंगल लाइन पे डाल के धीरे धीरे ट्रेन चल रही, कभी चल रही, चलेगी या नहीं जाएगी, जाएगी बस थोड़ी देर हर गाँव जाती, आधा घंटा रुक जाती, ऐसे चल ही रही थी। तो आखिरकार पहुँचते पहुँचते वो ट्रेन कैसे तो भी हटिया पहुँची, हटिया एक गाँव है तो वहाँ पहुँची। तो वहाँ से मैंने फिर ऑटो ले लिया, हटिया में मैं उतर गया, कुछ मेरे मित्र लोग अंदर मतलब मिल गए जो कि अच्छे से हम सब मिल के थे तो मित्र टाइप बन गए, वो लोग मिल गए, उन्होंने बोला चलो आप भी हटिया में उतर जाइए और हटिया से आप रांची चले जाए और रांची से दूसरी ट्रेन पकड़ के आप धनबाद चले जाइए। तो मैंने उनके हिसाब से उन्होंने ही मेरे को अपने रिजर्वेशन करके दे दिया, ई टिकट बना के दे दी वहीं पर, और रांची चले जाओ। तो मैंने वहाँ से ऑटो कर लिया हटिया से और रांची चले गई, जो कि धोनी जी का गाँव है रांची। तो रांची जाने के बाद फिर वो ट्रेन का भी वही ट्रेजेडी हुई, वो आने वाली थी रात को 11 बजे और वो धनबाद आने के लिए रात को 11 बजे वाली ट्रेन जो सवेरे 5:30 बजे यही रूट्स के वगैरह से, क्योंकि उधर के रूट सब बंद थे, तो बड़ी धीरे धीरे चलते चलते कैसे तो भी 5:30 बजे वो ट्रेन आई। और उससे मैं फिर आज सुबह यहाँ पर उसी ट्रेन से लगभग 11:30 बजे पहुँच गया, और फिर वहाँ पर सनातन और अंजलि वहाँ लेने आए और वहाँ सब भी यहाँ आए। तो इस तरीके से ये बड़ी लंबी कहानी है कि हादसों से गुजरते हुए सब कुछ निपटते हुए अपनी जगह पर कैसे भी पहुँच गया, और पहुँच गया फाइनली मैं मेरी ससुराल में पहुँच गया और अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठा। लेकिन दोस्तों प्लीज ऐसे आप लोग नहीं करना जो गणेश जी ने किया, मतलब आप लोग कहीं भी जा रहे हो परिवार को बताइए 3 दिन आप ट्रेन में घूम रहे हो, ऐसे तो हमारे यहाँ पर 1.5-2 दिन लगता ही आने में, तो ये समझ सकते हो 1 दिन गया, कल अगर ये पहुँच जाते तो कल ही हादसा हुआ ना, तो कल ये हादसा हो गया। तो एक बार यहाँ ट्रेन रुक रही है, एक ही बार बात की बोले, वीडियो जब देखेंगे तब, एक बार जंगल झाड़ी में रुका हुआ है, कहाँ है नेटवर्क नहीं मिल रहा है, किसी को भी ट्रेन का पता नहीं कि कहाँ हम लोग रुके हुए हैं। अब बहुत डर लगने लगा, चोर डाकू भी तो होती है, होता है कि नहीं, सॉरी होती बोलू, वहाँ होते हैं। तो उस चीज से मैं ज्यादा डरती हूँ कि मतलब हम कुछ शरीर को हानि ना पहुंचे। नहीं नहीं, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब कैसा है थोड़ा सा तकलीफें मिली तो पर हम पहुंच गए। गलती नहीं करना, नहीं ये गलती नहीं करना, सरप्राइज पड़ा मुझे बहुत भारी, ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए। जी जी, तो देखिए अभी अब फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, इसी के साथ बाय बाय, जय जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।